दोस्तों आज के इस वीडियो को लेकर आया हूँ आईपीएल और क्रिकेट की दुनिया के बड़े अपडेट्स। चेन्नई सुपर किंग्स के लिए बड़ी खुशखबरी, दिल्ली कैपिटल्स के कैंप में हुआ चोरी, दिल्ली कैपिटल्स के दिग्गज खिलाड़ी आईपीएल से बाहर, आईपीएल में सामने आया मैच फिक्सिंग का मामला, जोफ्रा आर्चर पर बड़ी खबर, कल के मुकाबले के रिजल्ट और रिकॉर्ड्स, अपडेटेड पॉइंट टेबल और स्टैट्स और भी ढेर सारे अपडेट्स आईपीएल और क्रिकेट की दुनिया जुड़े आपको बताने वाले हैं। और बस आपको आराम से पूरा वीडियो तक देखना है। दोस्तों अपनी वीडियो रोज लाते हैं और हमारे आईपीएल अपडेट से जिसका 669वां वीडियो है। और यदि हमारे चैनल का ऐसा नहीं है तो बिना देर के चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। चलिए देखते हैं अपना सबसे पहला अपडेट। दोस्तों हमारी सबसे पहली अपडेट निकल कर आ रही है दिल्ली कैपिटल्स की तरफ से, जहां पर आपको बता दें कि दिल्ली कैपिटल्स की टीम वैसे भी आईपीएल में अभी तक एक भी मुकाबला जीत नहीं पाए हैं और ऐसे में एक तगड़ा झटका लग चुका है दिल्ली कैपिटल्स की टीम को। दिल्ली कैपिटल्स के युवा तेज गेंदबाज कमलेश नगरकोटी आईपीएल दुरुस्ताई से बाहर हो चुके हैं और इसके पीछे वजह रहा है उनके पीठ का इंजरी और उनकी जगह पर दिल्ली कैपिटल्स की टीम ने अभिमन्यु ईश्वरन इसके साथ ही प्रियम गर्ग को दिल्ली के ट्रेनिंग कैंप में बुला लिया है और दोनों में से किसी एक को कमलेश नगरकोटी का रिप्लेसमेंट घोषित कर दिया जाएगा। चलिए देख लेते हैं अपना दूसरा बड़ा अपडेट। दोस्तों यह अपडेट निकल कर आ रहा है रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की तरफ से और यह जुड़ा हुआ है मोहम्मद सिराज से। असल में आईपीएल में मैच फिक्सिंग का एक मामला सामने आया है, जहां पर हैदराबाद के एक ड्राइवर ने मोहम्मद सिराज से कॉन्टेक्ट किया था और मोहम्मद सिराज से बैंगलोर के कैंप के बारे में कुछ सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन लेना चाहा ताकि वह इस इन्फॉर्मेशन का गलत इस्तेमाल कर सके और बदले में मोहम्मद सिराज को बहुत सारे पैसों का लालच और ऑफर भी किया था। लेकिन मोहम्मद सिराज ने इसकी जानकारी बीसीसीआई के करप्शन यूनिट को दे दिया, जिसे ACU कहा जाता है और यह बात रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर और पंजाब किंग्स के मुकाबले के पहले का है और कल का यह एक बहुत ही बड़ा ट्रेंडिंग न्यूज भी था आईपीएल पर। चलिए देखते हैं अपना तीसरा बड़ा अपडेट। दोस्तों यह अपडेट निकल कर आ रहा है चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ से, जहां पर आपको बता दें कि चेन्नई सुपर किंग्स का जो मुकाबला होने वाला है सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ, उसके पहले बेन स्टोक्स को लेकर एक अच्छी खबर है। बेन स्टोक्स अब पूरी तरह से फिट हो चुके हैं और इस मुकाबले में बेन स्टोक्स अवेलेबल रहने वाले हैं, लेकिन अभी तक बेन स्टोक्स चेन्नई सुपर किंग्स के लिए 3 मुकाबले मिस कर चुके हैं, लेकिन इस मुकाबले में वह खेलने वाले हैं और प्लेइंग 11 में बेन स्टोक्स को जगह देने के लिए ड्वेन प्रेटोरियस को हटाना पड़ेगा। वैसे भी चेन्नई सुपर किंग्स की टीम का जो इंजरी का लिस्ट है बहुत ही बड़ा है, जिसमें खुद महेंद्र सिंह धोनी का भी नाम शामिल है जो अपने घुटने के दर्द से परेशान है। और आप यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हैं कौन कौन से खिलाड़ी चेन्नई सुपर किंग्स के चोटिल हैं और क्यों, और यह लिस्ट आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी मिल जाएगा, तो हमारे टेलीग्राम चैनल को डिस्क्रिप्शन वाले लिंक से जरूर ज्वाइन कर लें। चलिए देखते हैं अपना चौथा बड़ा अपडेट। दोस्तों यह अपडेट निकल कर आ रहा है दिल्ली कैपिटल्स की तरफ से, जहां पर दिल्ली कैपिटल्स के कैंप में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। खबर ऐसी आ रही है कि दिल्ली कैपिटल्स का जो मुकाबला होने वाला है कोलकाता नाइट राइडर्स के साथ आज, उसके पहले दिल्ली कैपिटल्स के कैंप से 16 पैड्स, जर्सीज, जूते, ग्लव्स और बहुत तरह के क्रिकेटिंग इक्विपमेंट्स की चोरी कर ली गई है, जिनकी कीमत लगभग 16 लाख बताई जा रही है। असल में जब दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला खत्म हुआ था बैंगलोर से, तब ट्रांसपोर्टेशन के दौरान इस तरह का घटना घटा है और इसकी कंप्लेंट बीसीसीआई को कर दी गई है दिल्ली कैपिटल्स के द्वारा और इस पर इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। चलिए देखते अपना पांचवा बड़ा अपडेट। दोस्तों अपडेट निकल कर आ रहा है कल खेले गए मुकाबले को लेकर, जहां पर कल का मुकाबला आईपीएल का 26वां मुकाबला था जो कि खेला गया था लखनऊ सुपर जायंट्स और राजस्थान रॉयल्स के बीच, और इस बेहद ही रोमांचक मुकाबले में लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम 10 रन से जीत गए। पहले बल्लेबाजी करते हुए लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम ने 154 रन बनाए थे, जो कि राजस्थान के लिए कोई बहुत बड़ा स्कोर नहीं था, लेकिन फिर भी राजस्थान के बल्लेबाज चल नहीं पाए और लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम ने काफी शानदार गेंदबाजी भी की थी और 10 रन से जीत गए लखनऊ की टीम। तो वहीं पर इस मुकाबले में मैन ऑफ द मैच बने मार्कस स्टोइनिस, जिन्होंने 21 रन भी बनाए और 2 विकेट भी लिए। और आज गुरुवार का दिन है, लेकिन आपको फिर भी 2 मुकाबले देखने को मिलेंगे जो कि आमतौर पर देखने को नहीं मिलता है, सिर्फ सैटरडे और संडे को 2 मुकाबले देखने मिलते हैं। आज पहला मुकाबला खेला जाएगा पंजाब किंग्स और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के बीच मोहाली में 2:30 बजे और दूसरा मुकाबला खेला जाएगा दिल्ली कैपिटल्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच 7:30 बजे और यह मुकाबला होगा दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में। चलिए देखते हैं अपना छठा बड़ा अपडेट। दोस्तों कल का जो मुकाबला खेला गया था लखनऊ और राजस्थान के बीच, उसमें कुछ बड़े रिकॉर्ड्स बने और टूटे। सबसे पहले तो आपको बता दें कि कल के मुकाबले में पहली बार ऐसा हुआ कि लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम ने राजस्थान की टीम को हराया पूरे आईपीएल के इतिहास में, क्योंकि लखनऊ की टीम नहीं है। कल ट्रेंट बोल्ट ने 8वां मेडन फेंका पहले ओवर में गेंदबाजी करते हुए, इसके पहले भुवनेश्वर कुमार 8 मेडन ओवर फेंक चुके हैं पहले ओवर में। इसके साथ ही ट्रेंट बोल्ट 11 मेडन ओवर फेंक चुके हैं, जो उन्हें आईपीएल का दूसरा सबसे ज्यादा मेडन ओवर फेंकने वाला खिलाड़ी बना चुका है। कल लखनऊ सुपर जायंट्स की ओपनिंग जोड़ी ने 82 रन का पार्टनरशिप किया और यह आईपीएल दुरुस्ताई का सबसे ज्यादा ओपनिंग पार्टनरशिप है। इसके पहले चेन्नई सुपर किंग्स ने 79 रन का पार्टनरशिप किया था। कल जॉस बटलर ने 112 मीटर लंबा छक्का लगाया, जो कि आईपीएल दुरुस्ताई का दूसरा सबसे लंबा छक्का है। इसके पहले फाइव टू प्लेसिस 115 मीटर छक्का लगा चुके हैं। लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम आईपीएल में डिफेंड करते हुए 11 में से 9 मुकाबले जीत चुके हैं। कल 4 साल के बाद आईपीएल का मुकाबला खेला गया जयपुर में,
जॉस बटलर ने कल अपने आईपीएल में 300 चौके पूरे कर लिए और बाकी बचे हुए सारे रिकॉर्ड्स आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिल जाएंगे। तो डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, जरूर ज्वाइन कर लें। चलिए देखते हैं अपना सातवां बड़ा अपडेट। दोस्तों यह अपडेट निकल कर आ रहा है जोफ्रा आर्चर से, जहां पर आपको बता दें कि जोफ्रा आर्चर मुंबई इंडियंस का पहला मुकाबला ही सिर्फ खेले थे, उसके बाद फिर मुंबई इंडियंस का जो पिछला मुकाबला खेला गया था सनराइजर्स हैदराबाद के साथ, उसमें उम्मीद था कि जोफ्रा आर्चर वापसी करेंगे, लेकिन जोफ्रा आर्चर उसमें मौजूद नहीं थे। और खबर ऐसी आ रही है कि जोफ्रा आर्चर अभी आईपीएल में मुंबई की तरफ से और भी कुछ मुकाबले मिस करने वाले हैं। इसके साथ ही आपको बता दें कि मुंबई इंडियंस की टीम इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड से कॉन्टैक्ट में है और जोफ्रा आर्चर की फिटनेस की अपडेट्स उन्हें देते रहते हैं। इसका मतलब यही कि इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड यह डिसाइड कर रहे हैं कि जोफ्रा आर्चर मुंबई इंडियंस की तरफ से खेलेंगे कि नहीं। इसके साथ ही कुछ सूत्र यह भी बता रहे हैं कि जोफ्रा आर्चर बहुत जल्दबाजी कर चुके हैं अपनी वापसी में, उन्हें कुछ और समय लेना चाहिए था और उसके बाद क्रिकेट खेलना चाहिए था। चलिए देखते हैं आठवां बड़ा अपडेट। दोस्तों कल के मुकाबले के बाद पॉइंट टेबल और स्टैट्स में कुछ बड़े बदलाव आए हैं, जहां पर कल मिली हार के बाद भी राजस्थान रॉयल्स की टीम पहले नंबर पर है अपने 6 में से 4 मुकाबले जीतकर। दूसरे पर है लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम, जिन्होंने भी 4 मुकाबले जीते हैं। तीसरे पर है चेन्नई सुपर किंग्स की टीम, चौथे पर गुजरात टाइटंस, पांचवें पर पंजाब किंग्स, छठे पर मुंबई इंडियंस, सातवें पर कोलकाता नाइट राइडर्स, आठवें पर रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर, नौवें पर सनराइजर्स हैदराबाद और अंत में दिल्ली कैपिटल्स की टीम है, जिन्होंने अभी तक एक भी मुकाबला नहीं जीता आईपीएल का। ऑरेंज कैप की बात की जाए तो ऑरेंज कैप फैफ डू प्लेसिस के पास है, जिनके 259 रन है। दूसरे पर 244 रन के साथ जॉस बटलर है और बाकी पूरी लिस्ट आप यहां देख सकते हैं। पर्पल कैप मार्क वुड के पास है, जिनके 11 विकेट है और दूसरे पर युजवेंद्र चहल, तीसरे पर राशिद खान, इनके भी 11-11 विकेट है और बाकी पूरे स्टार्स आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएंगे। तो दोस्तों यदि आज की आईपीएल और क्रिकेट पर कुछ बड़ी खबरें इस तरह की वीडियोस आपके लिए रोज लाने की कोशिश करते हैं, तो हमारे साथ आप बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आईपीएल पर अपनी अगली इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।